छिंदवाड़ा जिला के चौरई क्षेत्र में हिंदू संगठन सक्रिय है। हिंदू संगठन के ब्लॉक प्रभारी दीपक निर्मलकर और उनकी टीम ने गौ तस्करी करने वाले तस्कर को तांडा पिपरिया में धर दबोचा। हिंदू संगठन के ब्लॉक प्रभारी दीपक निर्मलकर ने बताया है कि 23 तारीख को रात 9 बजे से गौ तस्करों पर नजर रखी गई। लगभग 3 बजे रात को आयसर गाड़ी MP20 GB1195 में तांडा पिपरिया रामगढ़ में गाय को गाड़ी से भरा जा रहा था, जिसमें हम सभी हिंदू संगठन समिति ने 2 गाय, 1 बछड़ा, 18 नग भैंस और 1 बड़ा, ऐसे कुल मिलाकर 21 गायों को भरते हुए पकड़ा है और थाना चौरे में लाया गया। पुलिस ने मवेशी की कीमत 1,50,000 रुपए आकी है। नए थाना प्रभारी गणपत सिंह उइके के आते ही गौ तस्करों पर हुई कार्रवाई। थाना चौरी SDOP सौरभ तिवारी और नए थाना प्रभारी गणपत सिंह उइके का हिंदू संगठन को भरपूर सहयोग मिला और गौ तस्करों पर कार्रवाई हुई एवं गौ तस्करी वाहन को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिंदू संगठन ने बताया है कि गौ माताओं को सुरक्षित गौशाला समसवाड़ा में भेजा गया है। जय श्री राम। मैं दीपक निर्मलकर, राष्ट्रीय हिंदू सेना ब्लॉक प्रभारी। कल मुझे रात में 9 बजे सूचना मिली कि तांडे पिपरिया रामगढ़ में गौवंश भरे जा रहे हैं और तस्करी होने वाली है। तो फिर उसके बाद हमने पूरे राष्ट्रीय हिंदू सेना की टीम ने भिड़कर 9 बजे से लगभग 2:30 बजे तक वहां से कोशिश करते हुए उनको पकड़ने की कोशिश करते हुए उनको धर दबोचा वहीं पर तांडे पिपरिया में, जिसमें ये पीछे आपके ट्रक खड़ा है जिसमें लगभग 21 गौवंश बरामद हुए हैं और उनको लेकर हम लोगों ने चौरई आए हैं। और चौरई के थाना से हमें बहुत सारी मदद मिली। यहाँ SDOP साहब ने से भी हमें बहुत मदद मिली, जिसके माध्यम से हमने इस काम को अंजाम दिया है। और हमारे क्षेत्र में हम चाहते हैं कि ऐसी गौ तस्करी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़े से बड़ी कार्रवाई हमारी राष्ट्रीय हिंदू सेना करेगी। और आपको बता दें कि ये हमारे TI साहब अभी आज ही आए हैं। TI साहब का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, नए TI साहब हमारे आए हैं, UK जी। उन्होंने इस गाड़ी को गौ अधिनियम के तहत इसे राजसात भी करा दिया है। उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, जिससे ये गौ तस्करी बंद हो हमारे चौरई एरिया में। उनको गौशाला में पहुंचा दिया गया है। लगभग 5 बजे तक ये ट्रक में ऐसे ठूंस ठूंस के भरे थे गौ वंशों को कि धीरे धीरे उन्हें निकालने में हमें 5 बज गया। और उन्हें हम लोगों ने गौशाला समझवाड़ा में बड़े सुव्यवस्थित तरीके से उन्हें वहाँ पर छोड़ा है, जिससे वो आज अभी बढ़िया रिलैक्स है वहाँ पर। NBC न्यूज़ के लिए चौरई से राजेश उइके की रिपोर्ट।